कैसे आप सभी लोग, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। तो गाइस अभी बज गए 9 बजे और मैं नहा धो के चाय वाय पी के जस्ट बैठा ही था। तो अपने शोरूम में जो पीछे एक सरोज काम करता है वो अभी आया था और मुझे ना एक स्टोरी बता रहा था, लो रियल स्टोरी। और वो स्टोरी कल रात को ही इधर हो चुकी है और मैं और छोटू तो मस्त आराम से सो गए थे। उसे और मुझे तो कोई पता भी नहीं है कि कल रात को यहाँ क्या हुआ था। वो सरोज आया, उसने बताया स्टोरी, उसके बाद हम लोग शॉक हो गए। जो कल रात को सीन हुआ खतरनाक था। उसने जब स्टोरी बताई तो मेरे को तो यकीन नहीं हुआ, लेकिन यकीन करना पड़ा क्योंकि वो अकेला नहीं बता रहा था, उसके साथ जो भाई लोग रहते वो भी बता रहे थे। सो गाइस, जो सीन कल रात को हुआ वो हम दोबारा इधर क्रिएट करेंगे और देखेंगे कि क्या हुआ था कल रात को, और मैं आपको पूरी डिटेल देने की कोशिश करूँगा। सो गाइस बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं थोड़ी देर बाद। ओके, तो गाइस अपना पार्सल आ चुका है। मैंने व्लॉगिंग के लिए गोरिल्ला का ट्राइपॉड मंगाया था, तो अभी देखते हैं उसको खोल के कैसा है, इसका पेमेंट वगैरह कर देते हैं, देखते कैसा है और देखते क्या है। तो गाइस यही हो जगह यहाँ पे कल रात को सीन हुआ था। इधर ऐसी एक कार खड़ी थी और उसका हॉर्न लगातार बजे जा रहा था। और ये जो ये डायमंड है, जो डॉग है उसका नाम डायमंड है, ये जो डॉग है वो उधर से ऐसा भागा है ना कल रात को, बहुत तेज भागा है। और ये जो रूम में ऊपर दिख रहा है ना, उधर जो सरोज और आरिफ भाई जो है ना उधर रहते, तो उधर से उन्होंने देखा कि गाड़ी का हॉर्न बज रहा है और पार्किंग लाइट भी चालू है, इधर सिक्योरिटी रहता ही है, तो उधर से आया। तो गाइस सीन कुछ ऐसा हुआ था, अभी जो आपने जगह देखी उधर एक कार खड़ी थी, तो उस कार का रात को 2 और 2:30 के बीच में ना अपने आप हॉर्न बज रहा था, वो भी 3 बार, और वो भी जोर जोर से हॉर्न बज रहा था। और हॉर्न बजने के बाद उसका पार्किंग लाइट अपने आप चालू हो रहा था और बंद हो रहा था। अभी ये सब मैंने तो खुद नहीं देखा, लेकिन मेरे होटल के ऊपर जो सरोज नाम का लड़का रहता है उसने मुझे बताया, जो मैंने आपको रूम का फुटेज जो दिखाया ना उसने मेरे को बताया, सुबह सुबह आके बताया कि ऐसा ऐसा हो रहा था। इसीलिए मैं आज देखने चला गया, लेकिन मेरे को तो कुछ नहीं दिखा। अभी एक आदमी झूठ बोल सकता है, बाकी के सब लोग झूठ नहीं बोल सकते। उन्होंने मेरे को बताया कि हम दरवाजे के कोने में से देख रहे थे, और जब इधर का वॉचमैन है, सिक्योरिटी गार्ड है, वो जब उधर गया गाड़ी के पास डंडा लेके गया, तो गाड़ी का पार्किंग लाइट जलना और हॉर्न बजना अपने आप बंद हो गया। तो आई डोंट नो कि ये सब क्या हो रहा था, क्या है, सही है या गलत है, सच है या झूठ है, आई रियली डोंट नो। बट मुझे लगा कि ये बात आपके साथ शेयर करूँ,
इसलिए मैंने वो पूरी जगह का फुटेज लिया और आपको बता रहा हूँ कि ऐसा ऐसा सीन हुआ था। अभी मैं सब उस लड़के के मुँह से ही बुलाना चाहता था, लेकिन वो सो गया आज जल्दी। और मेरे को भी होटल में बहुत कस्टमर था, मेरे को भी टाइम नहीं मिला, तो इसकी वजह से मैं ही आपको बता रहा हूँ कि ये सब हो रहा है। अभी सच है कि झूठ है मुझे भी पता नहीं है, लेकिन एक आदमी झूठ बोल सकता है, 10 आदमी झूठ नहीं बोल सकते। और मैंने इंक्वायरी भी की तो वो लोग बोल रहे थे कि इधर कुछ ऐसा वैसा है, मुझे तो पता नहीं है कि नहीं, लेकिन फिर भी डोंट नो। तो ये सब हुआ था। सो गाइस, आज के ब्लॉग में इतना ही है, ज़्यादा कुछ नहीं। आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर ये ब्लॉग आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। सो मिलते हैं अगले वीडियो में गाइस। बाय बाय, गुड नाइट।